We are right now in Viramgam, trailing a very important candidate for the Bharatiya Janata Party and a very interesting figure in the state of Gujarat. He is the face of the Patidar agitation when it happened in the state of Gujarat, and now a Bharatiya Janata Party leader and a candidate for the upcoming elections, Hardik Patel. Hardik, आपका बहुत बहुत शुक्रिया NDTV से बात करने के लिए. अच्छा, तो सबसे पहले अभी ये बताओ कि कैसा लग रहा है, कहाँ कहाँ घूम लिए विरामगाम में, और शुरू कहीं से किए थे एक पार्टी से और अब दूसरी पार्टी के लिए एक इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो विरामगाम असेंबली 3 तहसीलों में बटी हुई है और उसके कारण बड़ी असेंबली, यानी कि 185 विलेज लगते हैं इस असेंबली में, 346 बूथ लगते हैं. तो पिछले 10-12 दिन से तो अभी तक कुल मिला के 140 गांवों को कवर किया है और पिछले 10 साल से यहां पर कांग्रेस का विधायक है. तो हर जगह जाके जो 10 साल में जो काम करना चाहिए था कांग्रेस के विधायक को, वो किया नहीं है. तो स्वाभाविक है कि यहाँ के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं और यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, क्योंकि असेंबली का चुनाव है, एक असेंबली का चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, तो लोकल मुद्दे पर ज्यादा फोकस होता है. तो अभी तक तो अच्छा माहौल है, निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे और लोगों का भरोसा बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के साथ है, वो भरोसा दिन प्रतिदिन बढ़ भी रहा है. ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि असेंबली इलेक्शंस जो होते हैं, स्टेट इलेक्शंस, उनको लोकल मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए. आप कह रहे हैं कांग्रेस का यहाँ सिटिंग एमएलए कांग्रेस का है विरामगाम में? बिल्कुल काम नहीं करता है. बिल्कुल काम नहीं किया. आप गांव गांव में पूछे कि लाखा भाई जो है कांग्रेस के एमएलए आपके गांव में कितनी बार आए, मैंने कुल मिला के 140 गांव में पूछा, एक भी गांव में, 7 गांवों को छोड़ के एक भी गांव ने नहीं कहा हमारे गांव में आए. कितनी ग्रांट्स आपके गांव में दी, बोलेंगे एक भी रुपया नहीं दिया. मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के एमएलए को ग्रांट्स देकर लोगों के गले, लेकिन अपनी जिम्मेवारी जो है, लोगों ने चुनाव जीता के भेजा है तो वो जिम्मेवारी निभानी चाहिए. फिर आप चुनाव में ये कहेंगे कि सरकार कुछ नहीं करती, भाई विधायक के रूप में तुमने सरकार को क्या कहा, विधायक के रूप में तुमने सरकार को कौन सा ज्ञापन दिया, कौन सी अर्जी लिखी, कौन सी बातें रखी कि इस गांव में ये प्रॉब्लम है. तो निश्चित रूप से लोगों में गजब की नाराजगी है कांग्रेस के खिलाफ, और पूरे गुजरात में मीडिया और ये कांग्रेस के लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, बेसिकली कांग्रेस के विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी. अच्छा, तो 27 साल से भारतीय जनता पार्टी है, उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही आपको लगा आपको घूमे तो? बेसिकली एंटी इनकम्बेंसी होती तो फिर आज 150 सीटों के साथ सरकार बनाने का जो गजब का आंकड़ा है वो आपको नहीं दिखाई देता. वो तो जब रिजल्ट आएगा तब अपने आप पता चल जाएगा, फिर आप चिल्लाएंगे कि फिर भी गुजरात ने एक बार फिर बीजेपी को जीता दिया. जरूर जिताएंगे. चलिए, तो वो तो देखा जाएगा 8 दिसंबर को. पर एक बात बताइए हार्दिक, आपने शुरू किया था और आप बहुत यंग फेस है, मेरे ख्याल से आप एक रेयरेस्ट ऑफ दोस पॉलिटिशियन है जो इतने कम उम्र में पॉलिटिक्स में उतर चुके हैं. भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्टार कैंडिडेट्स में से एक है. आपने जब पाटीदार एजिटेशन हुआ, कहीं ना कहीं वो पूरा एजिटेशन ने एक हिला के रख दिया था गुजरात को. उस समय पे आप इंडिपेंडेंट थे, फिर आपने कांग्रेस ज्वाइन करा, फिर आप कांग्रेस के साथ थे, आपके साथ जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं वो भी बड़ा खुश थे. अब आपने सडनली पार्टी बदल ली पिछले साल, तो क्या कोई प्रेशर में आके बदली कि आइडियोलॉजी चेंज हो गई सडनली? नहीं, हमारी आइडियोलॉजी तो पहले से खुल के है, इसमें कोई आइडियोलॉजी चेंज नहीं होती, आइडियोलॉजी तो रहती है. हम तो पहले से भी, मेरे पापा इस असेंबली में प्रमुख होद्देदार पदाधिकारी रहे. आपके पिताजी? जी, यहाँ बीजेपी को खड़ा करने वाले हमारे पिताजी है. तो आइडियोलॉजी तो हमारी पहले से जनसेवा की आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी होती है लोक सेवा, जन सेवा, राष्ट्र सेवा, राज्य की सेवा. जो कांग्रेस करना नहीं चाहती हो, आइडियोलॉजी चेंज नहीं हुई. हमने तो अपना फैसला लिया कि कांग्रेस लगातार गुजरात के खिलाफ रही है, लगातार गुजरात के खिलाफ बातचीत कर रही है. मैंने कई बार कहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों को गाली ना दीजिए, आप लगातार अपनी गलत इमेज खड़ी मत कीजिए, लेकिन वो अपनी स्थिति में घुमे रहे. मैंने जब राम मंदिर का फैसला लिया गया, मैंने कहा कि मैं राम मंदिर के लिए अपना दान देने वाला हूँ. हार्दिक, इसमें पढ़ना चाहिए. ऐसे बोला कांग्रेस ने? बिल्कुल. मैंने किसी बड़े लीडर ने बोला क्या? राहुल गांधी ने? लीडरशिप होती है ना, स्टेट लीडर, तो हमें ऊपर पूछना पड़ता है वगैरह वगैरह. तो मेरा ये मानना है कि जो लोग लगातार स्थानिक मुद्दों के साथ, प्रदेश के मुद्दों के साथ खड़े ही नहीं रहना चाहते. आप देखिए ना कि गुजरात में चुनाव है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, गुजरात के लिए प्लान तैयार नहीं है, तो फिर कैसे लोग कांग्रेस को पसंद करेंगे? इसीलिए, क्योंकि लोग कांग्रेस को नहीं पसंद करते, इसलिए आपने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर. हाँ, बीजेपी ज्वाइन कर ली हमने, खुल के कर ली. नहीं, अभी आप एक बहुत जरूरी बात कह रहे थे कि कांग्रेस ने बोला कि राम मंदिर के लिए डोनेशन नहीं देना. हाँ बिल्कुल. नहीं, मैंने कहा था कांग्रेस को कि स्टेट पार्टी को, जैसे कि मध्य प्रदेश के चीफ ने उस समय चांदी की ईंटें भेजी थी, तो
उसी प्रकार मैंने कहा कि गुजरात को, गुजरात कांग्रेस को भी राम मंदिर के लिए कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। तो बोला नहीं, हमको ऊपर पूछना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं दे सकते। फिर मैंने खुद, आप मेरा ट्विटर वगैरह देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैंने 21,000 रुपये मैंने खुद उस पर दान किए थे और मेरी टीम के कई लोगों के द्वारा मैंने कराया भी गया था, क्योंकि भावनात्मक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, हमारे हृदय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए। हार्दिक, कभी राहुल गांधी या प्रियंका से, कभी गांधी से बात हुई है उनसे कोई, उन्होंने कभी आपको कहा हो कि क्या नई पार्टी मत छोड़िए, कभी उनसे कोई इंटरेक्शन रहा है? नहीं, जब आखिरी बात हुई तो ऐसा कुछ नहीं था कि मत छोड़िए, उनको कहाँ जरूरत है मजबूत लोगों की, उनको तो वही चापलूसी करने वाले लोगों की जरूरत है। जब पार्टी छोड़ना तैयारी कर रहा था, मैंने कहा था भाई आपको ऐसे ही करना है तो मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, और तब जाकर भी उन लोगों ने ये भी नहीं कहा था कि नहीं नहीं तुम जैसे लोगों की जरूरत है, उनको किसी की जरूरत ही नहीं है, उनको तो गुजरातियों की ही जरूरत नहीं है। अच्छा। लगातार गुजरात की अस्मिता और गौरव के खिलाफ कांग्रेस रही है, वो मुझे 2 साल में पता चला। और देखिए एक बात समझ लीजिएगा कि मैं अकेला नहीं हूँ कि मैंने पार्टी छोड़ी है, मैं तो अच्छा है, मैं तो फायदे में रहा, मैंने 2 साल में छोड़ दी। गुलाम नबी आजाद हो, कपिल सिब्बल हो, सिंधिया जी हो, आरपीएन सिंह हो, अशोक तंवर हो, वो जाके पूछे कितने साल बिगाड़े बाद में उनको पता चला। कहीं ना कहीं जो लोग पार्टी छोड़ते हैं ना, उनपे हमेशा देखा गया है, एक एलिगेशन ये भी लगता है कि आप पे केसेस बढ़े थे, तो क्या कोई प्रेशर था कि भैया ज्वाइन कर लो हमारी पार्टी तो केसेस हटवा देंगे, ये तो एलिगेशन है ऑपोजिशन का? वो तो आज भी है मेरे पे केस, अभी हटे नहीं है। तो अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि पार्टी ज्वाइन करने से केसेस हट जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपकी गलत फहमी है, क्योंकि कानून स्वतंत्र है, कोर्ट स्वतंत्र है, ऐसे केस नहीं हटते। केसेस अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है हार्दिक? मुझ पर 32 केस आज भी है ना। फिर आप इलेक्शन पर लड़ने के लिए एलिजिबल है ना? नहीं लड़ सकते। नहीं नहीं, वही मैं कह रही हूँ, एलिजिबल मैं, मेरा सवाल लड़ ही सकते है ना। बिल्कुल लड़ सकते है, और वो 2 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट ने मुझे स्टे कर दी है। अच्छा, तो इसलिए मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। कहीं ना कहीं एक पाटीदार जो कम्युनिटी है, उनका क्या आपसे कुछ गुस्सा नाराजगी चल रही है कि आपने पार्टी में मेरे साथ, मैं अभी 2 गांव आपके साथ लगा आपको ऐसा? नहीं, मुझे क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, हम लोग तो देखिए बाहर के लोग हैं, बाहर आते हैं, आप लोग यहाँ से, आप सवाल कर रहे हैं मुझे, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि आप 2 गांव आए, कहीं पर किसी ने ऐसा बोला, ऐसा कुछ लगा? मैं ये बोल रहा हूँ, एक हमारा देखिए हमारा क्या है कि हम आपसे सवाल पूछे। नहीं, आप पूछिए, मैंने जवाब दिया ना। हाँ। कि आपको कुछ लगा यहाँ? हाँ। कि किसी ने कुछ ऐसा, तो कोई नाराजगी नहीं है पाटीदार? क्यों होगी, क्योंकि ऑलरेडी पाटीदार समाज बीजेपी के साथ बड़े पैमाने पे जुड़ा है, पाटीदार कम्युनिटी ऑलरेडी बीजेपी की वोट बैंक रही है। 17 में तो आंदोलन का माहौल था, इसके कारण पॉलिटिकली अपना स्टैंड अलग था, लेकिन फिर भी 17 में भी 60% पाटीदारों ने बीजेपी को ही वोट किया था। अच्छा। क्योंकि भरोसा है बीजेपी के साथ, विश्वास जुड़ा हुआ है, क्या कांग्रेस और अदर पार्टीज वो विश्वास दे पाएगी? तो कांग्रेस तो आपको कहीं ना कहीं एकदम ही नहीं लग रही। अच्छा, आम आदमी पार्टी पे जरा बताओ हार्दिक, क्या लग रहा है उनका माहौल? आप दिल्ली से क्या माहौल लेके आए? हम कहाँ माहौल लेकर आए, हम तो पत्रकार लोग, आप पॉलिटिशियन लोग, बताइए। पत्रकार को पॉलिटिशियन से एक स्टेप ज्यादा मालूम होता है, ऐसा मुझे मालूम। मालूम तो हमें बहुत कुछ है, पर आप बताइए, आपको आम आदमी पार्टी का क्या रोल लग रहा है इस बार? ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, लग रहा है कुछ डेंट कर पाएंगे बीजेपी का सीट? बीजेपी को कुछ डेंट नहीं होगा। बीजेपी लगातार 20-22 साल से जो भरोसा गुजरात का जीता है, वो भरोसे के साथ जनता का आशीर्वाद और मजबूत हुआ है। आम आदमी पार्टी चुनावी माहौल है, अपने तरीके से लोग प्रचार करते हैं, और चुनाव में अधिकार है सबको प्रचार करने का, लेकिन गुजरात की जनता बहुत ही समझदार और अपना सटीक फैसला देने के लिए तैयार रहती है, और इस बार भी 150 सीटों के साथ सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़े, वो हमको चिंता नहीं है। अच्छा, आपस में लड़ लेंगे? लड़ने दो ना काम, बीजेपी अकेले स्ट्रांगली है, हमारा कुछ डेंट नहीं हो रहा था, मैं क्या चिंता। अच्छा हार्दिक, क्योंकि अब आप हमसे बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा मौका है, वैसे तो आप लोग हाथ में पकड़ में नहीं आते, तो जरा हल्के फुल्के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछना जरूरी है, और खासकर तुमसे इसलिए पूछना चाहती हूँ कि तुम एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर हो, यंग लीडर हो, ठीक है? कोई तुमसे डरते नहीं है कि भाग जाए? नहीं, ऑन द ग्राउंड आप लोग बहुत स्ट्रांग लीडर है। तो एक बात बताइए, ये जब हम लोग जब एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं कह सकते, बट लाजमी से बात है, 27 साल से भाजपा है, कई परेशानियां होती हैं, कई अनएम्प्लॉयमेंट की हम इशू सुन रहे हैं, महंगाई की बहुत यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, उसको कैसे टैकल करेगी गवर्नमेंट? नहीं, महंगाई गुजरात में है ऐसा नहीं है, महंगाई पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था के कारण ही पैदा हुई है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने देश में और विभिन्न राज्यों में महंगाई को रोकने का, महंगाई को स्टेबल करने का अच्छा प्रयास किया है। बात रही एम्प्लॉयमेंट की, तो मैं आपको भी बता दूँ, ऑफिशियली आंकड़ा है कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में गुजरात फर्स्ट नंबर पे है, जो आज भी कई नौजवानों को रोजगार देने में सफल हुआ है। दूसरे स्टेटों की मैं ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन गुजरात की स्पेसिफिक, क्योंकि चुनाव गुजरात का है, गुजरात में अभी भी
इस जहाँ पर आप खड़े हैं ना, यहाँ पर 17 से 18 नेशनल और मल्टी नेशनल कंपनियां हैं। इस 17 से 18 टोटल कंपनियों में 27-28 हज़ार नौजवानों को, इसी इलाके के नौजवानों को रोजगार मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि रोजगार हो या महंगाई हो, इस मामले में स्वाभाविक है, आप आरोप प्रत्यारोप कर सकते, उसमें कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है, लेकिन देश और विदेश में जो स्थिति है उसके कारण ऐसी स्थितियों को कंट्रोल में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विशेष काम किया है और नरेंद्र मोदी जी लगातार इस स्थिति को काबू में रखने के लिए प्रयास भी करते हैं। हार्दिक, अब जैसे कि हम लोग आखिरी सवाल पे थे, कहीं ना कहीं अब आप इतने गहन सवालों का जवाब दे ही रहे हैं, तो एक और कहीं ना कहीं गहन सवाल आता है आपके कैंपेनिंग के दौरान ही हम पूछ लेते हैं। मोरबी की एक पुल दुर्घटना हुई, उस पुल दुर्घटना में बहुत से लोग मारे गए, छोटे बच्चे थे, परिवार थे, हम सब ने कवर किया, बहुत ही दुखद घटना है। अब कहीं ना कहीं जो करप्शन और क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है, हाईकोर्ट में भी वो आ गया है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर पालिका जो थी सरकारी अथॉरिटी है उन्होंने भी एडमिट किया कि देखिए हमारी गलती थी। एक प्राइवेट कंपनी है ओरेवा, उनके ओनर को अभी तक वो अनट्रेसेबल हैं, वो उनको उनका नाम भी नहीं डाला गया है FIR में, तो क्या उनको पॉलिटिकल कनेक्शन के लिए बचाया जा रहा है? और भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि सरकार है गुजरात में, आप लोग क्या एक्शन लेंगे कि किसी को बचाना? सबसे पहले तो किसी को जो दोषी होते उसको कभी बचाया नहीं जाता, और भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार ने कभी भी ऐसे दोषियों को बचाने का काम भी नहीं किया। मोरबी की घटना बहुत ही दुखद थी और पूरे देश ने और विश्व ने, कई देशों के लोगों ने भी नेताओं ने भी इस पर अपना दुखद जाहिर किया है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया तो गलत बात है। हम मानते हैं कि ये बहुत ही दुखद घटना हुई, ऐसी घटना कभी नहीं होनी चाहिए और कानूनी कार्यवाही हो रही है। हालांकि आपने कहा ओरेवा वाली जो बात कही तो उस पर कोर्ट में चल रहा है, तो अगर कोर्ट कहेगी कि आपको केस लगाना है तो सरकार तो लगाएंगी केस। लेकिन मेरा ये मानना कि चुनावी साल है तो स्वाभाविक है कि मीडिया ने और विपक्षी दलों ने इसको राजनीतिक साजिश बनाने का प्रयास किया। मैं बहुत स्पष्ट मानता हूँ ऐसी घटनाएं गुजरात के 7 करोड़ लोगों को दुखी करती है और लोगों की जान बहुत ही कीमती होती है, किसी की जान पर खेल नहीं सकते। जो घटना हुई है बहुत गंदी हुई है, ऐसी कभी भी घटना ऐसी ना हुए। मैं समझ नहीं पाया कि इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने जो राजनीति की है ये राजनीति मौत के मलाजों पे नहीं करनी चाहिए थी, और ऐसी घटनाओं का हम कभी समर्थन नहीं करते और ऐसी घटना दूसरी बार ना हो इसलिए सब लोगों ने सरकार से कहा है, ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, सब लोगों ने कहा है कि ऐसी घटना दूसरी बार ना हो इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, बोला है कि 2002 में गुजरात में कांग्रेस पहले बहुत तरीकों के कम्युनल इंस्टेंसेस करती थी, हर हमेशा कोशिश करती रहती थी कि कम्युनल टेंशन फ्लेयर अप हो जाए। 2002 में हमने उनको ऐसा सबक सिखाया कि अभी 2022 आ गई है, अब तक उनकी हिम्मत नहीं हुई है। 2002 कहीं ना कहीं गुजरात रायट्स हुआ था, बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला था, तो आप कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? और आपको लगता है अभी मैं वही बोल रहा हूँ आप कि गुजरात में 20 साल से दंगा नहीं हुआ। जो लोग अपनी राजनीति मजबूत रखने के लिए दंगे करते थे या करवाते थे, ऐसे लोगों को करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। बट 2002 में तो जो तब चीफ मिनिस्टर थे, जो अभी प्रधानमंत्री है, उनको क्रिटिसिज्म मिली थी ना गुजरात दंगों के लिए, लेकिन उस क्लीन चिट भी दिया है ना, शायद आप भूल गए लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का उस टाइम इसमें कोई रोल नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं हो सकता जी। फिर आप और हम कितना भी चिल्लाए, अभी क्या कम्युनलिज्म अभी कुछ है गुजरात में, अभी आपको लगता है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में? देखिए, गुजरात में हमने शांति प्रदान की है जी। लेकिन अगर कोई शांति को अव्यवस्था खड़ा करने का प्रयास करेंगे तो सरकार स्वीकार नहीं करेगी। फटाफट से हार्दिक एक आखिरी सवाल ले लूंगी, कहीं ना कहीं थोड़ी पार्टी में हल्की फुल्की इनफाइटिंग थी आपको लेके कि इतना यंग कैंडिडेट है इसको क्यों फील्ड कर रहे हो? किसने बोला ऐसा? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, आप बोल रहे हो ना? मैंने तो सुना है। नहीं नहीं, तो जब नॉमिनेशन था तो केंद्रीय मंत्री वगैरह क्यों आते? कल योगी आदित्यनाथ जी क्यों आ रहे हैं? 28 तारीख को बड़े इन लोगों से इनफाइटिंग नहीं थी पिछले जो कैंडिडेट रहे उनके? नहीं, नहीं, वो तो साथ घूम रहे, तो आपने अच्छा, देखा ही नहीं अच्छा। तो बड़े नादान हो आप, जो लास्ट टाइम कैंडिडेट वो थी साथ घूम रहे वही वोट मांग रही है अच्छा। तो नादानी मत कीजिए। तो अभी आप जीत पक्की है इस बार, कॉन्फिडेंट जरूर? 8 तारीख को मिलेंगे दूसरी बार इंटरव्यू करने। चलिए शुक्रिया, एंड दैट वाज हार्दिक पटेल, बीजेपी कैंडिडेट फ्रॉम विरामगाम। ही इज कैंपेनिंग राइट नाउ एज यू कैन सी इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड ही gave us a no holds barred interview where he said that yes,
you know, during Gujarat riots, the Supreme Court clearly gave a clean chit to the then Gujarat government, and he also said that Congress is absolutely nowhere on the ground. He is confident of winning with the Bharatiya Janata Party, and he also spoke on a lot of uncomfortable and tough questions from Morbi to his decision to coming to the Bharatiya Janata Party. Watch that interview as we ask all sort of questions to Hardik Patel, the Bharatiya Janata Party candidate from Viramgam. With camera person Ravi Joshi, I'm Tanushree Pandey for NDTV.